नमस्कार, खटपट न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। आइए जानते हैं प्रदेश की प्रमुख खबरें फटाफट अंदाज में। बीजापुर में सुरक्षा बलों से हुई मुठभेड़ के बाद नक्सली जान बचाकर भाग खड़े हुए। इस दौरान कुछ नक्सलियों के घायल होने की भी सूचना है। जवानों ने मौके से तीर धनुष सहित अन्य सामान भी बरामद किया है। ये मुठभेड़ गंगालूर क्षेत्र के हिरमागोंडा के जंगलों में हुई है। बीजापुर SP कमल लोचन कश्यप ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। कवर्धा जिले के धर्मपुरा गांव में सांप्रदायिक विवाद फिर भड़क उठा है। रविवार सोमवार के दरमियान रात बाइक से आए दो अज्ञात बदमाशों ने गांव में स्थित सतनामी समाज के धर्म स्थल में आग लगा दी। इसके बाद से गांव में तनाव की स्थिति है। बिलासपुर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में मंगलवार को एडमिशन की प्रक्रिया खत्म हो गई। दो बार तारीख बढ़ाए जाने के बावजूद सीटों को भरा नहीं जा सका। यूनिवर्सिटी और उससे संबद्ध कॉलेजों को 30% सीटें खाली रह गई है। खास बात यह है कि UG और PG में एडमिशन के लिए सीटों से दुगने से ज्यादा आवेदन आए थे। भिलाई में चोरों ने एक प्राइवेट बैंकिंग कंपनी के ATM में चोरी का प्रयास किया। ट्रॉली बैग में गैस कटर भरकर आया बदमाश करीब 20 मिनट तक ATM को काटने का प्रयास करता रहा। इसके बाद भी चोरी में कामयाब नहीं हो सका तो शटर बंद कर चला गया। मामला रविवार देर रात से पहला थाना क्षेत्र का है। ATM में लगे CCTV फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाशी की जा रही है। तो ये थी प्रदेश की आज की कुछ प्रमुख खबरें। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। YouTube में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पे हमारे चैनल को लाइक जरूर करें।